हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के दो बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है IRCTC और IRFC। यहाँ पे आज अगर आप देखोगे तो IRCTC में फिर से बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला, भयंकर तेजी आज आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली और ये स्टॉक आज 4000 के ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर हुआ नजर आ गया। वहीं अगर हम बात करें IRFC के बारे में तो इनके क्वार्टर टू नंबर्स का जो यहां पे रिजल्ट का वेट किया जा रहा है तो उस पे मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है इनके क्वार्टर टू नंबर्स में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें IRCTC के बारे में तो आज यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है और वो जो फ्लक्चुएशन के बाद की तेजी है वो आपको 7% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है आज IRCTC के शेयर प्राइस में। और आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4000 के लेवल से ऊपर के लेवल पे अगर आप देखो तो शेयर सस्टेन करते हुए नज़र आ गया है। तो जो भी मैं आपको बता रहा था इतने दिनों से कि IRCTC 5000 का लेवल आपको टच करते हुए नज़र आ सकता है स्प्लिट से पहले, तो ये काफ़ी हद तक सही नज़र आ रहा है। मैं आपको चार्ट पैटर्न के थ्रू भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप स्प्लिट से पहले खरीदने वाले हो तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, स्प्लिट के बाद अगर आपको खरीदने वाले हो तो आपको किस लेवल पर खरीदना चाहिए। उससे पहले मैं आपको जस्ट एक छोटी सी अपडेट निकल के आ रही है वो बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे कि IRCTC बहुत ही जल्दी यहाँ पे 5 states के लिए जो कि नॉर्थ ईस्ट में है आप देखोगे तो स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है, यानी कि स्पेशल ट्रेन लॉन्च करने वाला है 5 states NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि IRCTC कैसे डेली आपको अपडेट्स मिलती हैं कि नई नई ट्रेनें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बिजनेस एक्सपेंशन कितना ज़्यादा तेजी तरीके से यहाँ पे आपको IRCTC की तरफ से देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बिजनेस सिनारियो और यहाँ पे जो मॉडल जिसको ये फॉलो कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आता है और ये सारी चीज़ें आपको क्वार्टर टू के नंबर्स में देखने को भी मिल जाएगी, जिससे आपको यहाँ पर सीधा सीधा पता चलने वाला है कि IRCTC का जो बिजनेस है वो कितनी हद तक ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। और जिसके पास भी IRCTC के शेयर हैं मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप उनको होल्ड करके रखो, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है वो दिखा देता हूं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो शेयर है वो मूवमेंट दिखा रहा है। आपको स्टार्टिंग से भी अगर आप यहां पे चार्ट में देख पा रहे होगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं जगह पे आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, यानी करेक्शन फेज आ रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे टाइम टू टाइम इतनी बड़ी आपको कैंडल स्टिक देखने को मिलती है ग्रीन साइड में यानी कि अप साइड में, तो उससे जो रिटर्न है उससे जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आता है। अब मैं आपको इसके साथ ही जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी दिखा देता हूँ, इससे पूरी हद तक जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको स्प्लिट से पहले खरीदना है तो कौन से लेवल को आप टारगेट कर सकते हो और इसके बाद खरीदना है तो कौन से लेवल को आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो इसकी मूविंग एवरेज लाइन है वो इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट लेवल निकल के आती है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे जो भी करेक्शन आता है उसके बाद जैसे ही जो कैंडल है वो इस पर्टिकुलर लाइन को यानी कि 20 डेज मूविंग एवरेज लाइन को टच करती है वहां से इसका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलता है कि शेयर फिर से अपसाइड डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है। ये पैटर्न आप पूरे चार्ट पैटर्न में आप देख ही पा रहे होगे कि कितनी अच्छी तरीके से ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि आपको किस पर्टिकुलर लेवल पर यह शेयर खरीदना चाहिए। 4000 से ऊपर के लेवल पर ऑलरेडी ये पहुंच गया है, तो जहां तक मुझे लगता है आपको अभी जो लेवल है 4000 से 4050 के बीच में अगर आपको IRCTC मिलता है तो आप इजीली खरीद सकते हो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है IRCTC में अभी भी। तो इसलिए मैं आपको बताऊं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो तो ईजिली आप 4000 से 4050 के लेवल को टारगेट कर सकते हो।
और अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो आप देखो यहाँ से जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो कि इसकी 20 डेज के मूविंग एवरेज से बन रहा है, तो आप यहाँ से 3750 यानी कि 3750 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, अगर आप थोड़ा शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म के लिए जाना चाहते हो तो, और फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप इजिली बिना स्टॉप लॉस के इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश कर सकते हो। तो ये तो बात हुई कि स्प्लिट से पहले अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो, अगर स्प्लिट के बाद अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है तो मैं आपको लेवल्स जो बताऊं वो है, जब भी स्प्लिट के बाद आपको 3-4 दिन बहुत भयंकर तेजी देखने को मिलेगी जहां तक चांसेस हैं और जो पैटर्न आज तक फॉलो होते हुए आया है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपको 3-4 दिन का कंसोलिडेशन फेज आता है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो उन पर्टिकुलर लेवल्स को आप टारगेट कर सकते हो अगर आप स्प्लिट के बाद यहां पे सोच रहे हो ISCTC में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और बहुत भयंकर रिटर्न्स आप ISCTC से कमा सकते हो। तो ओवरऑल अभी तक का यही अपडेट है ISCTC के बारे में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। IRFC अगर आप देखोगे तो आज थोड़ी बहुत आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ा जो वेट है वो है इनके Q2 के नंबर्स के बारे में, क्योंकि इनके जो AGM में डेटा दिखाया गया है, जो AGM में इन्होंने अभी तक सारी चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पे जो बताया गया था कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे डील कर रही है, और जो इन्होंने आज तक डिविडेंड दिया है वो अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 31% के आसपास का जो डेटा निकल के आता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आता है, जिससे सीधी सीधी यही क्लैरिटी मिलती है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसमें आपको भले ही मूवमेंट देखने को ना मिल रहा हो, लेकिन जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इससे सीधा सीधा यही पता चलता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं अगर वो थोड़ा सा पेशेंस लेवल बना के चल लेते हैं तो यहाँ पे उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इसका बिजनेस है, जिस अकॉर्डिंग इसका अगर आप देखोगे फाइनेंशियल्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया भी था कि सरकार का जो प्लान है, जो मेगा प्लान है, उससे कितना बेनिफिट होने वाला है IRFC को, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी जाके देख सकते हो, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस अकॉर्डिंग सरकार जो बेनिफिट दे रही है IRFC को वो शेयर होल्डर्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। तो दोनों ही शेयर के बारे में जो भी अपडेट्स थी, जो भी लेवल्स आप टारगेट कर सकते हो, वो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, और ISCTC का आफ्टर और बिफोर स्प्लिट का भी एग्जीक्यूशन कैसे कैसे आप कर सकते हो वो भी आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।